आज हम हमारे मनन के लिए फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसके 27 से लेकर 30 तक के पदों पर ध्यान देंगे। 28वें पद को यदि अगर आप ध्यान दें तो पौलुस विरोधियों का उल्लेख करता है जो इन विश्वासियों को सताने में तो लगे हैं, लेकिन अब इन्हें उनका भय खाने की आवश्यकता नहीं है। तो बाहर से कुछ लोग अब इनके विश्वास निमित्त इन्हें सताने और इनका उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं, और पौलुस ऐसे अवस्था में फिलिपियों के विश्वासियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहता है कि विकट परिस्थितियों में मसीह में बुलाए गए हुए विश्वासियों को यदि अपने विश्वासी जीवन में सुदृढ़ रहना है, कलीसिया के तौर पर बने रहना है, तो सबसे पहले उनको ध्यान देना होगा कि उनका व्यक्तिगत जीवन और उनका सामाजिक जीवन जो है ऐसा हो जो मसीह यीशु की शिक्षा और उसके सुसमाचार के अनुरूप हो। इसीलिए 27वें पद में पौलुस कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मसीह के सुसमाचार के योग्य चाल चलन होने का अर्थ क्या है? आने वाले अध्यायों में पौलुस इसके विषय में अधिक रूप से सिखाता है, लेकिन इन चार पदों के अंदर में एक बात हम खास तौर से देखते हैं। मसीह के सुसमाचार के अनुरूप जीने का अर्थ है कि वे आत्मा के द्वारा प्रेरित एकता में बने रहे और एक चित्त और एक मन से हो करके कंधे से कंधा मिला करके सुसमाचार के विस्तार के कार्य में संलग्न हो जाए। जब वे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित रूप से इस कार्य में एक मन होकर के संलग्न हो जाते हैं तो वे सुसमाचार के योग्य जीने लायक बन जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अब उनके अभिलाषाओं को नहीं परंतु उनके चाल चलन को भी नियंत्रित करता है। मैं मानता हूं कि इस पद के अंदर में जब आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विद्वानों के बीच में दो मत है। एक मत कहता है कि ये मनुष्य की अन्य मनुष्य के साथ में आत्मा में जो वो एकता को महसूस करता उसके विषय में कहता है, लेकिन मैं मानता हूं अन्य कई विद्वानों के साथ में कि यहां पर जब आत्मा शब्द का प्रयोग पौलुस करता है तो यह पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है, क्योंकि दूसरे अध्याय के पहले पद को भी यदि आप पढ़ के देखेंगे इसी विचार को आगे लेके जाते हुए पौलुस कहता है आत्मा की सहभाग्यता, ये उसी सहभागिता के द्वारा है जो अब कलीसिया में एकता उत्पन्न होती है। ये ऐसे पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने वाले लोग हैं जो एक मन एक चित होकर के कलीसिया में चलते हैं, सुसमाचार के प्रचार के कार्य में संलग्न होते हैं, और जब बाहर के लोग देखते हैं तो वे एक मन एक चित और एक उद्देश्य के साथ में इस संसार में जीने वाले लोगों का समूह के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा जीवन और ऐसी कलीसिया की गवाही ही अन्यों के सामने मसीह के सुसमाचार के योग्य चलने का जीवन बनता है। जब वे ऐसा करते हैं पौलुस के अनुसार उन्हें कुछ चीजों का ध्यान देना है। जब वे आत्मा की सहभागिता में स्थिर किए जाते हैं और जब वे एक चित्त के हो जाते हैं तो वे सुसमाचार के लिए कठिन परिश्रम करने लगते हैं। सताव और पीड़ा के मध्य में भी वे सुसमाचार के विस्तार के लिए एक मन एक चित होकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित हो वे निरंतर लगे रहते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो पौलुस के अनुसार जो लोग विश्वास न करे परंतु उसका विरोध करे उनके लिए विश्वासियों का एकता में खड़े होकर के सुसमाचार का प्रचार करना विनाश को स्पष्ट करता है। ये बाहर के लोगों के लिए इशारा है कि यदि अगर तुम सुसमाचार के विरोध में और मसीही कलीसिया को सताने में यदि अगर लगे हुए हो तो याद रखो न्याय के दिन में तुम्हारे लिए ये विनाश के लिए कारण बनेगा। और इसके विषय में पौलुस तीसरे अध्याय के अंतिम पदों में कहता है जिसके बारे में हम बाद में मनन करेंगे अधिक रूप से। और यहां पर जब ये बाहर के लोगों के लिए एक विनाश के लिए स्पष्ट चिन्ह है, बेहतर है कि वे चिन्ह को देख करके भविष्य में आने वाली विपत्ति को समझ जाए और अपने मार्ग को सुधार ले। दूसरी तरफ
ये जो विश्वासी लोग कष्ट के मध्य में भी सुसमाचार के योग्य जीते हैं, खराई से जीते हैं और सुसमाचार के कार्य में निरंतर परिश्रम में लगे हुए हैं, उनके लिए ये उद्धार का चिन्ह है। याद रखें, चाहे बाहर के लोगों के लिए ये विनाश का चिन्ह हो या कलिसिया के लोगों के लिए उद्धार का चिन्ह हो, ये दोनों मनुष्य निर्धारित नहीं करता है, कोई पासबान या कोई विश्वासी इसे निर्धारित नहीं करता है, परंतु पौलुस कहता है 28वें पद में, यह परमेश्वर की ओर से है, यह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है कि जो परमेश्वर की रीतियों और परमेश्वर की कार्यों के विरोध में खड़ा रहे वो अपने ऊपर दंड और न्याय को लाता है, और जो परमेश्वर के सार्वभौमिक उद्धार, सब मनुष्यों को उद्धार देने के कार्य में संलग्न हो, परिश्रम करता हो और उसके लिए एक मन एक चित होकर कार्य करता हो, वो परमेश्वर की ओर से उद्धार को पाता है। यदि अगर ऐसा है तो पौलुस उन्हें बताना चाहता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जो आज की हमारी कलीसिया के लिए भी एक बहुत बड़ी पाठ और सुधार के लिए एक कारण बनना है। पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। पहले अध्याय से लेकर के पौलुस निरंतर रूप से उसकी सेवकाई में उपलब्ध परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में कहता है, और यहां पर भी वो कहता है कि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। किस लिए हुआ है? कि ना केवल तुम हे फिलिपियों, जो अन्य जातियों में से मसीह यीशु उद्धारकर्ता में विश्वास करके आए हो, तुम विश्वास करो उस पर, परंतु उसके लिए दुख उठाना भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त और उपलब्ध अनुग्रह का कारण है, के कारण है। परमेश्वर हमें जब बुलाता है इस कार्य में, तो वह केवल विश्वास करने के लिए नहीं, परंतु वो हमें उसके लिए जरूरत पड़े तो कष्ट झेलने के लिए भी हमें बुलाता है। यहां पर है जिसे हम प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी कहते हैं या संपन्नता सुसमाचार कहते हैं। ऐसे सुसमाचार प्रचारकों और ऐसे सुसमाचारों पर विश्वास करने वालों के लिए एक सुधार करने की बात वो ये है कि सुसमाचार पर विश्वास करके मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलने के लिए निकलना हमेशा अनुग्रह और आशीषों के लिए प्रतिज्ञा नहीं है। कि यदि अगर तुमने यीशु में विश्वास कर लिया तो तुम्हारी बीमारियां सब हट जाएगी, तुम्हारे कष्ट मिट जाएंगे, तुम्हें आर्थिक रूप से समस्या नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे हमेशा संपन्नता में बढ़ते रहेंगे और तुम्हें कभी दुख ना होगा। परंतु इसके विपरीत पौलुस कहता है, यदि अगर मसीह के सुसमाचार के अनुसार यदि अगर तुम जियो, उसकी तुम्हारी चाल चलन बन जाए, सुसमाचार के विस्तार में पवित्र आत्मा से प्रेरित और एक मन एक चित होकर के तुम कठिन परिश्रम करो, जैसे वो 30वें पद में कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हारे सामने किया है, तो तुम्हें जानना होगा कि मसीह के निमित्त दुख भोगना भी परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया है। और ऐसे लोग जो मसीह के सुसमाचार के लिए दुख सहने के लिए तैयार है और मसीह के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा दुख की अवस्था से भी होके जा सकते हैं करके विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। प्रियजनों, हम अपने आप में नाकाबिल है, हम कुछ चीज अपने द्वारा स्थापित नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हो। और पौलुस यही बात को यहाँ पे विश्वासियों को याद दिलाता है, तुम कष्टों से होके गुजरते हो, गलत शिक्षक तुम्हारे बीच में आ चुके हैं, तुम्हारे मध्य में शायद फूट हो सकती है, लेकिन सुधर जाओ। कष्ट और विपत्ति के समय पर पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित सहभागिता में तुम एक मन एक चित बन जाओ, ताकि तुम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके उसके लिए दुख सहना भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हुए एक बात मान करके उसके पीछे तुम चलते रहो। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण पौलुस कहता है, मैं खुद हूं। 30वें पद में वो कहता है, तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। पौलुस अपने जीवन और सेवकाई के द्वारा यह उसने प्रमाणित करके दिया कि मसीह के पीछे चलना फूलों की सेजों पर चलना नहीं है, परंतु कटीली राहों से होके गुजरना भी है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए दिया गया है। सुसमाचार के अनुरूप चाल चलन चलना, दुखों को झेलना भी है, ये अचानक आकस्मिक होने वाली बात नहीं,
परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए वहाँ उपलब्ध है और परमेश्वर स्वयं हमारे लिए निर्धारित करता है। होने दे कि सताव और कष्टों से होके गुजरने वाले हर एक विश्वासी इस वचन को ग्रहण करे और कलीसिया के तौर पर आशीष पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दें।